Good morning, class fourth student. This is question and answer of uh, lesson eleven from Future Step Book Class Four. You can see I haven't booked you can see the question number one. वाई वर दार्थक एंड प्रिया सार्थक एंड प्रिया वर गोइंग टू चाइना टू सी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्वेश्चन नंबर टू वाय वॉर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना of china construct the great wall of china was constructed for defense purpose defense purpose question number three how big is the great wall of china the great wall of china is about 7.5 meter high 4 meter thick and 6.5 meter wide okay and the question number four is uh, what is the length of the great wall of china the length ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज ट्वेंटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स किलोमीटर तो ये थे आपके लेसन इलेवन के क्वेश्चन आंसर ओके मेरे पास बुक नहीं है बट जो क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ दिस इज लेसन नंबर सिक्सटीन क्लास फोर क्वेश्चन नंबर वन वाट काइंड ऑफ नेचर डिट गौ गौतम है कैसा नेचर था हाँ सबसे जलन फील होता था, था ना उसको ही हैड जूल नेचर क्वेश्चन नंबर टू वॉट डेड गौतम डू बिफोर द स्पोर्ट डे एंड वाई जब स्पोर्ट डे था तो गौतम ने उससे एक दिन पहले क्या किया और क्यों किया गौतम ने क्या किया था गौतम डग टू स्माल पिट ऑन दाथ वेयर सूरी वॉज सपोज टू रन ठीक है जहाँ पे वो दौड़ने वाला था ही डिड बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिफेक्ट सूरी क्योंकि वो सूरी को हराना चाहता था क्वेश्चन नंबर थर्ड वॉट हैपन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ था नेक्स्ट मॉर्निंग ही कॉन गौतम वेंट टू द प्रिंसिपल रूम एंड आन सॉरी फॉर वर्क विच वॉज ही डन अपने उस काम के लिए उसने सॉरी भी बोल दिया था क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है चोट लग गई थी तो उसने उस प्रिंसिपल के रूम में जाके सॉरी बोला बोला कि मैं फर्स्ट आया हूँ फर्स्ट कौन आया है सॉरी ही आया है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर इन द सेकंड टर्म एग्जाम सेकंड टर्म एग्जामिनेशन क्या हुआ इन द सेकंड टर्म एग्जामिनेशन गौतम हैव हैव है पुअर परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस थी गौतम की ही मैनेस स्कोर जस्ट पास मार्क्स के और पासिंग मार्क्स ही थे उसके हार्ड इन द लास्ट एंड हाउ गौतम वर्कड हार्ड इन द लास्ट विद हेल्प ऑफ सूर्य सूर्य की मदद से लास्ट में उसने भी हेल्प मदद की और वो लोग दोनों ही अच्छे नंबर से पास हो गए थे और ये है आपके क्लास uh, फोर का लेसन नंबर ट्वेल्व का द सेलेक्शन ऑफ म्यूजिक क्वेश्चन नंबर वन वर्ट डिड द मैन डू विद द फोर कलरफुल बॉल से क्या कर रहा था आई थिंक ये सर्कस वाला चैप्टर होगा द मैन प्लेड विद द ऑल फॉर बॉल्स एट ए टाइम विद जगलिंग जगलिंग कर रहा था जगलिंग जानते हैं ना ऊपर नीचे एक साथ फेंकना बोलो को वॉट वॉज इन द बिग केज क्या था बिग केज में लॉयन वॉज इन द बिग केस ओके क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट टाइप ऑफ ड्रेसेस वर द क्लाउन वेयरिंग जोकर्स ने कैसे पहन रखी थी ड्रेसेस वेरी गुड कलरफुल द शो वॉज टू स्टार्ट एट सिक्स ओ क्लॉक इन द इवनिंग छह बजे होने वाला था वो ठीक है और ये क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डिड द स्मॉल गर्ल लुक लाइक द स्मॉल गर्ल लुक लाइक अ डॉल छोटे बच्चे मतलब गुड़िया जैसी दिख रही थी ओके तो ये आपका जो भी मेरे पास अवेलेबल थे क्वेश्चन आंसर आई एम प्रोवाइडिंग यू ओके